जैसे कि हम इस एग्जांपल में बात करने वाले हैं कि मेरे पास डेटा दो जगहों पे है, क्वार्टर वन वाले सीट पे और क्वार्टर टू वाले सीट पे। तो लेकिन इसमें क्या है कि नेम का सिक्वेंस जो क्वार्टर वन पे है वही हमारा क्वार्टर टू पे है, पर डेटा हमारा अलग अलग है। तो अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि तीसरे चार्ट में यहाँ चार्ट लगे लेकिन दोनों सीट से डेटा है, मतलब कि मैं तीसरे सीट पे दोनों सीट का डेटा इकट्ठा नहीं करना चाहता, क्योंकि ये डेटा किसी फॉर्मूले से आया हुआ है और मुझे यहाँ भी अलग से दिखाना है। सो ऐसी पॉसिबिलिटी मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि नहीं है, तो कैसे दो अलग अलग सीट का डेटा चार्ट हम यहाँ पे लगा सकते हैं? तो उसके लिए आपको तीसरे सीट पे आपको एक ब्लैंक चार्ट क्रिएट करना है और फिर यहाँ राइट क्लिक करके सेलेक्ट डेटा पे जाना है, ऐड, और पहले सीट में क्वार्टर वन को यहाँ पे हम मैनुअली क्वार्टर वन लिख दीजिए या फिर आप अपने हिसाब से अलग अलग इसको दे सकते हैं। ओके, और फिर मैं यहाँ जो है इसका सीक्वेंस मैं दे देता हूँ क्वार्टर वन का। फिर वापस मैं एक बार और ऐड करूँगा और ये हो जाएगा हमारा क्वार्टर टू, और यहाँ क्वार्टर टू के लिए हम क्वार्टर टू से डेटा ले लेते हैं। बट इसकी जो नीचे का एक्सिस है वो नहीं है, यहाँ ओरिजिनल एक्सिस पे आप जाइए, क्लिक कीजिए और यहाँ पे किसी भी सीट का एक ले लीजिए, क्योंकि दोनों का तो सेम सीक्वेंस है ना, तो ये आपके सामने यहाँ इस तरह से आ जाएगा दो अलग अलग चार्ट। अगर हम बात करें कि मेरे पास एक ही सीट में डेटा है लेकिन दो अलग अलग टाइप में है, जैसे कि एक डेटा हमारा ऐसा है और एक डेटा का सीक्वेंस जो है वो ओरिजेंटल है, माने कि रोटेट है, तो क्या हम इस पे चार्ट बना सकते हैं? जी हाँ, आप कॉस बना सकते हैं, बट कंडीशन वही है कि जो सीक्वेंस यहाँ है वही सीक्वेंस आपका यहाँ भी होना चाहिए। तो इंसर्ट, यहाँ पे हमने सिलेक्ट डेटा लिया, राइट क्लिक सिलेक्ट डेटा और एडिट किया, और हमने सीरीज नेम में हमारा सेल्स वन एस या टाइप कर दीजिए, सेलेक्ट कर दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और फिर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर वापस हम ऐड करते हैं और यहाँ पे सेल्स टू और यहाँ, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेटा आपका हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, और आपका डेटा इस तरह से बन जाए। तो दो तरीके से चार्ट आप लगा सकते हैं। अब दो तरीके की बात आई तो क्या होता है, कभी कभी हमारे पास डेटा काफी बड़ा होता है, डेटा हमारे पास काफी बड़ा होता है लेकिन मुझे चार्ट पूरे डेटा को नहीं किसी पर्टिकुलर डेटा पे ही लगाना, तो कैसे लगाएंगे? जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे मंथली सेल्स का डेटा है और मुझे यहाँ जो निकालना है वो टोटल पे निकालना है, मुझे मंथ वाइज नहीं टोटल पे निकालना है, तो यहाँ पे हम सम कर देते हैं, यहाँ पे टोटल एक कॉलम दे देते हैं और फिर यहाँ हम सम का फॉर्मूला डालते हैं और इसको करते हैं। अब मुझे चार्ट इस पे लगानी है, तो इसके लिए सिलेक्ट डेटा करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल के साथ अपने टोटल वाले सीट को सिलेक्ट कर लीजिए। अब इस पे आप डायरेक्टली चार्ट बना सकते हैं। अगर नहीं है, अगर प्रॉब्लम हुआ, तो फिर वही आप क्या करें, ब्लैंक चार्ट इंसर्ट कर लें, एक ब्लैंक चार्ट यहां से इंसर्ट कर लें, जो भी चार्ट बनाना चाहते हैं, फिर राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा और फिर इसमें ऐड, यहां पे टोटल और यहां नीचे जो है हम क्या करेंगे, अपना डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ एक्सिस में हम नेम को सेलेक्ट कर लें, ऐसा हम कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा।